जी हाँ सर। ओके ओके, स्टार्ट करता हूँ मैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज का मैथ्स टू का लेक्चर है ये। और मैथ्स टू के लेक्चर में आज हमें आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है हमारा प्रकीर्ण प्रश्न। ठीक है, देखो बच्चों, आज का जो लेक्चर का जो हमारा पॉइंट है वो है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह पांचवा। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह पांच में हमें आज पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे चार सवाल यहाँ पे देखने हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारा, नीचे दिए गए बहुवैकल्पीय प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है पहला, इसमें से आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे और चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन वहां पे लिखना है। तो नीचे दिए गए जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है, ऐसा सवाल आने पर आपको अच्छे से उसको पढ़ना है, उसके बाद वहां पे विचार करना है, और हो सके तो वहां पे डायग्राम बना के भी आप लोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट सवाल यहाँ पे आपका ऐसा है कि जिस चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं की सभी जोड़ियां सर्वांग सम हो तो उस चतुर्भुज का नाम क्या होगा। तो बहुत ही आसान सवाल यहाँ पे दिया है। चतुर्भुज हम लोग जिस चैप्टर को हमने पढ़ा है, तो उस चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं की सभी जोड़ियां, चतुर्भुज की चारों जोड़ियां अभी संलग्न भुजाओं की अगर समान होती है तो उस चतुर्भुज का नाम क्या होगा। संलग्न भुजाओं की सभी जोड़ियां अगर सर्वांग सम है तो वहां पर हमें चार ऑप्शन दिए हैं, वो आयत है, या फिर समांतर चतुर्भुज है, या फिर समलंब है, और यहाँ पे सम चतुर्भुज है। तो यहाँ पे एकदम छोटा सा ही क्लू आप लोगों को देता हूँ कि जब सभी जोड़ियां सर्वांग सम होती है तब मात्र वो चतुर्भुज कौन सा होता है, सम चतुर्भुज होता है। क्योंकि वो अगर संलग्न भुजाओं की सभी जोड़ियां, मतलब चारों भुजा यहाँ पे समान है, तो जब सभी भुजा समान होती है तो वो चतुर्भुज कौन सा होता है, सम चतुर्भुज होता है। यहाँ पर आप डी ऑप्शन को क्लिक कर करेंगे, ये आपका सही आंसर है। चलो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं, जहां पर हमारा मल्टीपल चॉइस का दूसरा सवाल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा सवाल जो है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई, कभी कभी कुछ सवाल हमें सॉल्व करने पड़ते हैं, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई यहाँ पे दिए 12 करनी 2 सेंटीमीटर हो तो उसकी परिमिति कितनी होगी। तो यहाँ पे ये जो सवाल है आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, क्योंकि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिए हमें परिमिति ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हम परिमिति ज्ञात करने के लिए उसे क्या करेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे और वहां पर हम लोग वर्ग के विकर्ण का जो फॉर्मूला है उसको वहां पे लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो सवाल दिया गया है वो सवाल इस प्रकार का है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12 करनी 2 सेंटीमीटर हो तो उसकी परिमिति कितनी होगी। यहाँ पे हमें चार ऑप्शन भी दिए गए हैं और इस चार ऑप्शन की सहायता से हम क्या करेंगे, अपने आंसर के पास जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। अगर आपको सॉल्व करके हम लोग उसको आंसर यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिए। तो चलो हम लोग यहाँ पे वर्ग बनाते हैं और वर्ग बनाने के बाद उसमें विकर्ण हम लोग दिखाएंगे। ये हो गया हमारा वर्ग, इस वर्ग को आप नाम देंगे और वर्ग को हम लोग ऐसे नाम देते हैं, ए बी सी डी। पेपर में भी आपको उसको रफ पेज पे सॉल्व करके उसका ऑप्शन वहां पे ढूंढना है। यहाँ पे हम एक विकर्ण जोड़ते हैं, विकर्ण यहाँ पे मैं ए सी जोड़ता हूँ, ये विकर्ण है और ये हमारे 90 माप का कोण हो गया, क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग के सभी कोण 90 माप के होते हैं। और यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, हमको वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी है, विकर्ण कौन सा है, ये एसी जो है वो विकर्ण है, 12 करनी 2 ये दिया है हमें, और हमें क्या पूछा है, उसकी परिमिति पूछी है। और परिमिति ज्ञात करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, भुजा होनी चाहिए। अब हमें ये मालूम है वर्ग की जो सभी भुजाएं होती है वो समान होती है, वर्ग की जो सभी भुजाएं ए बी बी सी सी डी और ए डी समान होती है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस भुजाओं को एक्स मानते हैं, वर्ग की भुजा हम एक्स मानते हैं। तो ये एक्स आएगी, ये भी एक्स आएगी, ये भी एक्स आएगी और ये भी एक्स आएगी। एक्स इसलिए आएगी क्योंकि वो क्या है, वर्ग है और वर्ग की सभी भुजा समान है। तो अब हम क्या करेंगे, वर्ग की भुजा पहले निकालेंगे और वर्ग की भुजा निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसकी परिमिति ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आप सबको मालूम है, यहाँ पर देखिए वर्ग की भुजा,
अब यहाँ पे वर्ग की भुजा किस प्रकार निकालेंगे, वर्ग की भुजा बराबर, अब हमें फॉर्मूला मालूम है वर्ग की भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, एक बटे करनी दोन गुना विकर्ण की लंबाई, ऐसा एक फॉर्मूला वहां पे है, विकर्ण की लंबाई। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला आप सबको ध्यान में रखना है, वर्ग की भुजा बराबर किसी भी वर्ग की भुजा अगर आपको ज्ञात करनी है तो एक बटे करनी दो गुना विकर्ण की लंबाई। तो यहाँ पे हम लोग एक बटे करनी दो लिखेंगे और जो विकर्ण है हमारा वो कौन सा है, एसी, एसी हमारा विकर्ण है और एसी की लंबाई कितनी दी है, 12 करनी दो, तो हम लोग यहाँ पे उसको क्या करेंगे, 12 करनी दो लिखेंगे, 12 करनी दो, इस प्रकार एसी का मान हम लोगों ने यहाँ पे रखा 12 करनी दो। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो करनी दो है और ये जो करनी दो है ये दो क्या कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो वर्ग की जो भुजा है वो कितनी मिलेगी हमें, यहाँ पे देखो यहाँ पे मिल गई 12, वर्ग की भुजा, वर्ग की जो भुजा है वो हमें मिल गई 12 मिल गई। अब इसको एक ब्रैकेट बना सकते हैं, ये भुजा मिल गई, लेकिन हमें पूछा क्या है, परिमिति, उसकी परिमिति हमें ज्ञात करनी है, तो वर्ग की भुजा 12 है तो परिमिति कितनी आएगी, चलो परिमिति हम लोग ढूंढते हैं, परिमिति, परिमिति बराबर एक फॉर्मूला सबको मालूम है, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, तो 4 और आपका भुजा कितनी आई आपकी 12 आई, तो 12 गुना 4 कितना हुआ, 48 सेंटीमीटर, उस वर्ग की जो परिमिति है वो कितनी आई, 48 सेंटीमीटर, यहां से आप देखेंगे। तो हम लोगों ने सॉल्व करके इसका ऑप्शन ढूंढा है, पहले हम लोगों ने एक वर्ग खींचा ए बी सी डी, वर्ग की भुजा एक बटे करनी दो गुना विकर्ण की लंबाई, विकर्ण है हमारा एसी है, आप बीडी को भी विकर्ण कर सकते हैं, फिर हमने वहां पे उसका मान रखा, ये सॉल्व किया, वर्ग की भुजा मिली और भुजा के बाद परिमिति बराबर 4 गुना भुजा है, भुजा कितनी है तुम्हारी 12 है, 12 गुना 4 कितना हुआ, 48 हो गया, तो ये 48 हो गया, तो हमारा ऑप्शन वहां पे है कि 48, देखिए सब लोग, ये हमारा सवाल था मल्टीपल चॉइस का दूसरा, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12 करनी 2 सेंटीमीटर हो तो उसकी परिमिति कितनी आएगी, 48, तो ये हमारा ऑप्शन सही है, उसको हम लोगों ने सॉल्व करके यहाँ पे उसका ऑप्शन हमें मिला है, तो आप भी ये सॉल्व करके ही उसको ऑप्शन आप लोग फिक्स करना है उसका सही आंसर कौन सा है, ठीक है। अभी हम लोग तीसरे सवाल की ओर जाते हैं, जो तीसरा सवाल है हमारा मल्टीपल चॉइस का, ये वाला सवाल है, किसी सम चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के माप, किसी सम चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के माप 2x तथा 3x माइनस 40 अंश हो, तो x का माप आपको यहाँ पे निकालना है, x का माप, तो यहाँ पर उसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं, देखिए वो ऑप्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया है वो है 100, ए नंबर उसे नाम देता हूँ, बी नंबर का जो ऑप्शन दिया है वो 80 अंश है, सी नंबर का ऑप्शन दिया है 160 और जो डी नंबर का जो ऑप्शन है वो है 40। तो ये किसी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज मतलब सभी भुजा समान, उनके सम्मुख कोणों के माप हमें दिए गए हैं और उनका सम्मुख कोणों के माप देने के बाद हमें x का माप ज्ञात करना है, यहाँ पे x दिया है, तो इन चारों में से उसका आंसर सही है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, हम इसका आंसर यहाँ से निकालेंगे, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक समचतुर्भुज निकालना पड़ेगा, या फिर हम उसको दूसरा ऑप्शन हमारा ये भी है, आप सभी को मालूम है सम्मुख समचतुर्भुज की सम्मुख जो भुजाएं होती है वो कैसी होती है, सर्वांग सम होती है, सम्मुख भुजाएं समचतुर्भुज की, अब देखिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा चतुर्भुज ही बनाता हूँ समचतुर्भुज, और फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो सामने सामने वाली भुजा जो होती है समचतुर्भुज की वो समान होती है, और समान होने के कारण उसको हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं ए बी सी डी, तो यहाँ पे मानो ए बी सी डी एक कौन सा चतुर्भुज, समचतुर्भुज है, यहाँ पर ये सभी भुजा समान है, और समचतुर्भुज को जो सम्मुख भुजा है मालूम ए की सम्मुख भुजा कौन सी है, सी, और बी की सम्मुख भुजा कौन सी है, डी,
तो मानो ए, ए आपका मानो ये दिया है 2x और आपके सम्मुख उसकी भुजा सी है और कोण आपका सी है, तो उसका माप है 3x-40। तो कोण ए और कोण सी सम्मुख कोण है और ये सम्मुख कोणों के माप हमें दिए गए हैं। ये सम्मुख कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो हम लोग उसको अभी लिखेंगे यहाँ पे नीचे कि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण यहाँ पे किस प्रकार होते हैं, समान होते हैं, सर्वांग सम होते, इसलिए कोण ए सर्वांग सम कोण सी, ए और सी कैसे है, सर्वांग सम है। तो कोण ए का माप आपको मिला है या फिर दिया है 2x और जो दूसरा है वो है 3x-40। बराबर है, ये दोनों माप आपको दिए और वो दोनों कैसे है, ये और ये दोनों समान है, इसलिए मैंने सर्वांग सम लिखा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 2x-40। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो ये 2x से वो वहां लेके जाएंगे और ये 40 से यहाँ लेके आएंगे, तो ये 40 माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएंगे और ये जो 3x है ये 2x से प्लस है उधर ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस 40 को अंश को यहाँ लेके गए और 2x को वहां लेके गए, तो ये हो गए हमारे 40 और 3x-2x कितना हो गया x, तीन में से दो गए एक, x हो गया। तो यहाँ पर हमें x का मान मिला, जो x का मान कितना है 40 है, 40 अंश है हमें यहाँ x का मान 40 मिल गया। तो हमारा यहाँ पर सिर्फ हमें यहाँ पे इतना ही लॉजिक ध्यान में रखना है, कोण a और कोण c सम्मुख कोण है, सम्मुख जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं क्योंकि वो समचतुर्भुज है। और फिर यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही आएगा, x बराबर 40 है, मतलब आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही आएगा। तो ए बी सी और डी चारों ऑप्शन में से आपको क्या करना है, सही ऑप्शन आपको ढूंढना है, सही ऑप्शन आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों मल्टीपल जो चॉइस यहाँ पे दिए गए थे वो तीनों आपको क्या करना है, सॉल्व करके आपको लिखना है। चलो मैं अगले उदाहरण के पास जाता हूँ, अपना अगला उदाहरण है दूसरा। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको उदाहरण दिख रहा है, किसी आयत की संलग्न भुजाएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तो उस चतुर्भुज की विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। पेज नंबर 74 पर आप उदाहरण देख सकते हैं, पेज नंबर 74 पर दूसरा उदाहरण है। उदाहरण क्या है, आयत का उदाहरण दिया है, आयत की संलग्न भुजाएं दी है क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 24, तो उस चतुर्भुज का हमें विकर्ण ज्ञात करना है। बहुत सिंपल उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। कोई भी उदाहरण सॉल्व करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, उसकी डायग्राम बनानी है, और जब आप उसकी डायग्राम बनाएंगे तब आप क्या करेंगे, उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक आयत बनाएंगे, एक आयत यहाँ पे बनाते हैं, पट्टी पेंसिल का अच्छे से उपयोग करके हर क्वेश्चन के लिए जहां जहां आवश्यक है वहां वहां आप लोग डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद आपको क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। हम यहाँ पर उसका आंसर बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं उसे। एक आयत हमें यहाँ पे बनाना है, मैं आयत को नाम देता हूँ ए बी सी और डी, और आयत को क्या करना है, आयत में एक विकर्ण हमें दिखाना है ए सी, ये विकर्ण है ए सी, और आयत के जो कोण होते हैं वो 90 माप के होते हैं और जो सामने वाली जो भुजा होती है वो समान होती है, आयत के गुणधर्म सभी को मालूम है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी आयत की संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाएं दी है 7, मानो ये भुजा है ए बी 7 सेंटीमीटर और उसकी संलग्न भुजा कौन सी, ए डी भी है और बी सी भी है, तो हम लोग बी सी लिखते हैं, चलो 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक गुणधर्म और है कि ये सामने वाली भुजा ये 7 है तो ये भी 7 है, ये 24 है तो ये भी 24 है, तो और ये हो गया विकर्ण, और इस विकर्ण की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज बन गया, दो त्रिभुज बन गए ए बी सी ए डी सी, तो दोनों त्रिभुज समान है, हम कोई भी एक त्रिभुज लेकर उसके लिए हम पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा आयत भी बन गया और हमें क्या क्या दिया है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, तो हमें और क्या करना है, आगे सॉल्व करना है, क्या दिया है, चतुर्भुज ए बी सी डी दिया गया है, और ये अपर आप लिख सकते हैं कि ए बी सी डी दिया गया है और ए बी सी डी आयत,
एबीसीडी क्या है, आयत है, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसमें हमें क्या क्या दिया है, ए बी दिया है, ए बी का मान हम लोग लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर, बी सी का मान हमें यहाँ पे दिया है वो है 24, दोनों भुजा दिए संलग्न भुजा, और यहाँ पे हमें एक त्रिभुज मिल गया है, उस त्रिभुज का नाम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज ए बी सी, और इसमें क्या दिया है, ए बी सी में जो बी कोण है वो 90 माप का दिया, वो हम यहाँ पे लिखेंगे 90 माप, बराबर है, क्योंकि बी कोण 90 माप का है, क्योंकि वो क्या है, आयत है, और आयत के सभी कोण 90 माप के होते हैं, यहाँ पर आयत के कोण। अब हमें 90 भी मिल गए, सब मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये भुजा मिली है, ये भुजा मिली है या फिर दी है, उसका विकर्ण हमें ज्ञात करना है, इसको हम लोग विकर्ण या कर्ण कहेंगे, और ये जो विकर्ण है वो एसी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो जो गुणधर्म हम लोग उपयोग में लाने वाले उसको यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, ऐसे वहां पे लिख देना है पाइथागोरस के प्रमेय से। अब पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, पाइथागोरस का प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग, तब कर्ण कौन सा है यहाँ पर एसी, तो हम एसी का वर्ग लिखेंगे, यह है हमारा कर्ण, विकर्ण जिसे बोलते हैं एसी, फिर पहली भुजा है एबी, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, दोनों का हम वर्ग करेंगे यहाँ पर, ये हमारा प्रमेय है, इसको लिखना बहुत जरूरी है, और फिर हम इसमें मान रखेंगे ये जो विकर्ण निकालना है उसे वैसे ही रखेंगे, इसका मान हमें मालूम नहीं है, फिर हम एबी का मान हमें मालूम है 7 का वर्ग करना है बराबर, फिर बीसी का वर्ग करना है, बीसी कितना दिया है 24 दिया है, चलो हम लोगों ने क्या किया, एबी का मान 7 रखा, बीसी का मान 24 रखा, और एसी जो हमें हल करना है उसे वैसे ही रखा, तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, हम एसी का वर्ग इज इक्वल टू, तो सभी बच्चों को क्या करना है, वर्ग करना है, वर्ग कैसे करते हैं, उसी संख्या से उसी संख्या को गुणा करेंगे, तो कम से कम हमें 1 से 30 तक के वर्ग और वर्गमूल आना आवश्यक है, तो 7 का वर्ग कितना आएगा 49, 7 × 7 49, 7 का वर्ग है 49, और 24 का वर्ग अगर याद भी नहीं है तो आप बाजू में कर सकते हैं 24 × 24, और उसका वर्ग आएगा 576, ठीक है, सभी बच्चे इन वर्गों को ध्यान में रखेंगे, वर्ग याद करेंगे, और फिर वर्ग करने के बाद इसको क्या करना है, जोड़ना है, एसी का वर्ग बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इनके बाद ये आएगा 625, कितना आएगा 625, लेकिन हमें एसी चाहिए विकर्ण, उसका वर्ग नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल लेकर तो वर्गमूल लेकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एसी का जो वर्गमूल है तो ये एसी आएगा, वर्ग निकल जाएगा, और 625 का वर्गमूल कितना आएगा 25, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, एसी बराबर 25 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर बन गया, 625 का वर्गमूल है 25, यानी 25 × 25 करेंगे, 25 का वर्ग करेंगे 625 हुआ। इसको और एक विधि भी है, आप इसको वर्गमूल के चिन्ह में भी लिख सकते हैं, जिस प्रकार यहाँ पे लिखे करने 625, तो ये आपका 25 आएगा। तो इस प्रकार का एकदम सिंपल सवाल था, वापस मैं इसको 2 मिनट में आपको रिपीट करता हूँ, किसी आयत की संलग्न भुजाएं क्रमशः 7 और 24 हमें दी गई थी, तो उस चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है, विकर्ण, तो उसके लिए हम लोगों ने एक डायग्राम बनाई, आयत बनाया हम लोगों ने ए बी सी डी आयत बनाया है, आयत हमें दिया है, आयत के सामने वाली भुजा समान होती है, और यहाँ से एक विकर्ण खींचा एसी, अब यहाँ पे देखिए ए बी और उसकी संलग्न भुजा बी सी है, ए बी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर और जो BC है उसका मान 24 दिया है, तो हम लोगों ने जो जानकारी दी उसको लिखा, यहाँ पर आयत ABCD दिया गया है या फिर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, वो आयत है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वो आयत है, और फिर हमें जो दिया है AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC 24 दिया है, तो यहाँ पे त्रिभुज ABC, दो त्रिभुज बनाए गए यहाँ पर, यहाँ से विकर्ण के कारण यहाँ पे दो त्रिभुज बने ABC और ADC, तो कोई भी त्रिभुज ले लो, दोनों समान ही है, ABC में
कोण एबीसी का जो कोण बी है वो 90 माप का है, आयत के कोण 90 माप के होते हैं। और फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, यह समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस के प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, विकर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण है यहाँ पर एसी, एसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग, बराबर। तो एसी का वर्ग बराबर एबी है 7 और बीसी है 24, दोनों का वर्ग किया, दोनों को जोड़ा और वर्गमूल लिया। तो वर्गमूल लेने के बाद हमें जो आयत है उसके विकर्ण की लंबाई हमें यहाँ पे मिली है 25 सेंटीमीटर। तो चलो ये बहुत आसान उदाहरण दिया था, दो नंबर के लिए कभी कभी ये उदाहरण आता है, ये उदाहरण इस प्रकार से सॉल्व हो गया, आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई डाउट है तो आप बाद में पूछ सकते हैं। अगले उदाहरण के पास जाते हैं, उदाहरण नंबर है आपका 3 नंबर का उदाहरण। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण पढ़ते हैं, वर्ग के विकर्ण की लंबाई। अब यहाँ पे वर्ग का उदाहरण दिया है, सबसे पहले वर्ग है, आयत है, समलंब है, समचतुर्भुज है, वो देखना है कौन सा, कौन से चतुर्भुज पर वो उदाहरण है। तो उदाहरण अच्छे से पढ़िए, वर्ग के विकर्ण की जो लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर हमें दी गई है और वर्ग की भुजा हमें ज्ञात करनी, भुजा की लंबाई हमें यहाँ पे ज्ञात करनी। तो इस उदाहरण से हमें क्या पता चलता है, इस उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि हमें यहाँ पे वर्ग की डायग्राम बनानी है और वर्ग बनाने के बाद हमें क्या करना है, उसके विकर्ण की लंबाई वहां पे दर्शानी है, भुजा की लंबाई वहां पे ज्ञात करनी है। तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, एक वर्ग बनाएंगे, यहाँ पे मैं एक वर्ग बनाता हूँ। वर्ग में हमेशा सभी भुजा उसकी समान होनी चाहिए, पट्टी पेंसिल में से आप क्या करेंगे, एक वर्ग बनाएंगे और उस वर्ग को नाम देंगे और नाम देने के बाद हम लोग उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो चलो हमेशा आप लोग ए बी सी डी नाम देते वैसे ही नाम देना है, क्लॉकवाइज दे देते, एंटी क्लॉकवाइज नाम दो, ए बी सी डी। अब ये वर्ग है, वर्ग बनाया मैंने, वर्ग की जो सभी भुजा वो समान होती है उसे चिन्ह द्वारा आप दर्शाइए, ये वर्ग हो गया। अब वर्ग में क्या करना है, विकर्ण दर्शाना है, विकर्ण। तो अब यहाँ पे दो विकर्ण है, एक ए सी बी है और बी डी है, तो कोई भी एक विकर्ण आप बनाइए जो आपको आसान लगेगा, वो विकर्ण आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये विकर्ण बनाया मैंने, उसका नाम है ए सी, आप बी डी भी विकर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ग है, वर्ग के जो कोण होते हैं वो भी 90 माप के होते हैं, यहाँ पर सभी कोण 90 माप के आपको दर्शाना है, सेम जिस तक जैसे पिछला उदाहरण था आयत का, तो इसी प्रकार का ये भी एक उदाहरण है। और हमें यहाँ पे क्या दी है, वर्ग के विकर्ण की जो लंबाई वो 13 सेंटीमीटर दी, ये 13 सेंटीमीटर ये दिया है, 13 सेंटीमीटर ये विकर्ण है आपका एसी, ये विकर्ण है आपका एसी और ये कितना आपको दिया है, 13 सेंटीमीटर आपको दिया है, हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम पे उसको लिखा है। तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि विकर्ण जो है उस विकर्ण की भुजा की लंबाई पूछिए, तो हमें ये जो चारों भुजा है वो समान है, भुजा हमें मालूम नहीं तो हम उसे एक्स मानते हैं, ये भुजा एक्स है तो ये भी एक्स आएगी, ये भी एक्स आएगी और ये भी एक्स आएगी, तो ये भुजाओं को हम एक्स मानते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पाइथागोरस के प्रमेय से उसको सॉल्व करेंगे, उस पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग करेंगे तो हमें भुजा मिलेगी। तो चलो हम लोग अभी इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसको जो हमें दिया है उसको लिखना है, चतुर्भुज ए बी सी डी ये दिया गया है, दिया गया वर्ग है, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिया गया वर्ग, चतुर्भुज ए बी सी डी दिया गया वर्ग है। वर्ग में एसी क्या है, एसी है विकर्ण, एसी क्या है, एसी है विकर्ण और उसकी जो लंबाई दी गई है वो है 13 सेंटीमीटर। आप लिख सकते हैं यहाँ पर विकर्ण कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है, एसी बराबर विकर्ण है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर आप विकर्ण लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। और जो भुजा है वो भुजा हमें मालूम नहीं है, भुजा ए बी बी सी सी डी, तो हम लोग यहाँ पे वर्ग की जो लंबाई है याद करनी है, लंबाई मतलब भुजा, और ये वर्ग की जो लंबाई है उसको हम x मानते हैं, वर्ग की लंबाई, वर्ग की लंबाई x सेंटीमीटर है, बराबर, वर्ग की जो लंबाई है वो x सेंटीमीटर है,
हमने उसको मान लिया है। तो हमें यहाँ पे जो त्रिभुज मिला है उसका नाम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज हमें मिला है, वो समकोण त्रिभुज है सबको मालूम है, और यहाँ पर उसका कोण जो है वो 90 माप का है, वो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 90 माप का। यहाँ पे आप लिखेंगे वर्ग का कोण, वर्ग का कोण, और वर्ग का कोण कितना होता है 90 माप का। एबीसी बराबर 90 माप है वर्ग का कोण। तो चलो हम लोग वापस क्या करते हैं, ये जो त्रिभुज ए बी सी उसके लिए पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं पाइथागोरस के प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस के प्रमेय से या फिर पाइथागोरस के प्रमेय से वापस वही प्रमेय का उपयोग करना है। कर्ण, कर्ण एसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग, पाइथागोरस का प्रमेय सबको याद है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस का जो विकर्ण है यहाँ पर एसी का वर्ग प्लस एबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग, विकर्ण यानी कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का, पहली और दूसरी भुजा की मानो। अब आपको एसी का मान दिया है, एसी कितना दिया है आपको 13 दिया है आपको। विकर्ण की जो लंबाई यहाँ पे देखिए 13 सेंटीमीटर दिया गया है, और एबी और बीसी जो भुजा है वो हम लोगों ने एक्स माना है। तो एबी की लंबाई एक्स है उसका वर्ग, और बीसी की लंबाई एक्स है उसका वर्ग। यहाँ पर हम लोगों ने ये स्टेप आप समझिए, एसी का मान 13 दिया था वो लिख दिया, एबी बीसी सीडी और एडी ये जो भुजा है वो सभी भुजा समान है और उनकी लंबाई हम लोगों ने एक्स मानी, आप इन दोनों की लंबाई रखे। चलो वर्ग करते हैं, 13 का वर्ग हुआ 169, 13 का वर्ग हम लोग करेंगे 169 उसका वर्ग हुआ, ये हुआ x वर्ग और ये हो गया x वर्ग 169, x वर्ग कितना हुआ 2x वर्ग। तो हम इसको अभी क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अभी दूसरे पेज पर उसको सॉल्व करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये आया था आपका 169 और x वर्ग आया आपका 2x वर्ग आया। तो हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर उसका पक्षांतर करेंगे, ये x वर्ग ये दो इधर गुना में भाग में चले जाएंगे 169 बटे दो, ये x वर्ग वैसे ही है दो इधर गुना में था इधर भाग में चला गया। अब हम क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे उसका, वर्गमूल लेकर, तो वर्गमूल लेना है मतलब क्या करना है इसका x, और ये करने में चला जाएगा 169 बटे दो बराबर। तो अब हमें मालूम है x बराबर इसका वर्गमूल आता है 13 और इसका नहीं आता है इसलिए उसी में रखो, तो वर्गमूल हम लोग लेके उसका, तो जब उसको करनी चिन्ह में रखेंगे तो 169 बटे दो, तो यहाँ पर उसका वर्गमूल 13 आएगा और यहाँ पे करने जाएगा। तो इसको हम लोग और आगे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 13 करने में दो, इस करने दो से हम क्या करेंगे एक बार गुना करेंगे और एक बार भाग करेंगे, तो इसको करने से हम उसको आगे सॉल्व करेंगे, ये करने दो कैंसिल हो जाएगा वही आंसर आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन फिर इसके आगे क्या हो जाएगा देखो, एक्स अब इन दोनों का गुना करो 13 गुना करने दो, सामने सामने गुना करेंगे और करने दो गुना करने दो कितना आएगा 2 आएगा, उसका चिन्ह निकल जाएगा। फिर हम इस 2 से क्या कर सकते 13 को भाग देख सकते दे सकते हैं, यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 से अगर हमने 13 को भाग दिया तो वो आएगा 6.5 करनी दो। तो ये है आपकी भुजा की लंबाई। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ से हम लोगों ने सिर्फ करनी 2 से क्या किया है 2 गुना किया और एक बार भाग किया, फिर हमने सामने सामने गुना किया 13 ये उसका जो हर है वो समान होने के कारण हम लोग उसका सामने सामने गुना करेंगे, करनी दो गुना करनी दो 2 आया चिन्ह निकल गया, और ये 2 से हम इसको भाग देंगे तो ये आया, तो ये आया आपका वर्ग की जो लंबाई है वो कितनी आई 6.5 करनी दो, ये आपका आंसर है वहां पर 6.5 करनी दो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, और वापस मैं अभी 2 मिनट में आपको वापस रिपीट करता हूं। वर्ग के विकर्ण की लंबाई हमें दी गई थी 13 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा हमें ज्ञात करनी है, यहाँ पर ए बी सी डी यहाँ पे वर्ग है और इस वर्ग की सभी भुजा समान है,
ये भुजा हमने एक्स मानी है, ये विकर्ण है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ए बी सी डी दिया गया वर्ग है, ए सी 13 सेंटीमीटर है, वर्ग की लंबाई एक्स माना है, फिर हम लोगों ने पाइथागोरस के प्रमेय से लिखा विकर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा दूसरी भुजा का वर्ग, फिर हमने 13 उसका मान रखा, यहाँ पे उसका मान रखा, इसका वर्ग 169 आया, एक्स वर्ग प्लस एक्स वर्ग 2x वर्ग हुआ, जिसको यहाँ पे लिखा है 2x वर्ग, फिर 2 से इधर गुणा में वो भाग में चला गया, 2 से भाग करना है हमें, पहले हम लोग वर्गमूल लेते हैं, यहाँ पे वर्गमूल लेंगे तो ये कर्णी चिन्ह में जाएगा, इसका वर्गमूल आया 13, इसका वर्गमूल मालूम नहीं है 2 का, इसलिए कर्णी 2, फिर इसको आगे सॉल्व किया, एक बार गुना किया भाग किया, इन दोनों का गुना करने पर 13 कर्णी 2, कर्णी 2 कर्णी 2 कितना आया 2 आया, फिर 2 से 13 को भाग दिया, तो वर्ग की जो लंबाई है वो मिले मिली हमें 6.5 कर्णी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना भूलना नहीं है, सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम लोग ये तीसरा उदाहरण सॉल्व कर सकते हैं, उदाहरण आसान है इसलिए आप कर सकते हैं, और कुछ डाउट है तो आप बाद में पूछ सकते हैं। और अभी लास्ट का उदाहरण जो आज का है हमारे टॉपिक का चौथा उदाहरण, वो भी एकदम आसानी है, और वो उदाहरण आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, समांतर चतुर्भुज का उदाहरण आपको दिया है यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है कि वो उदाहरण कौन से चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात हमें यहाँ पे दिया है 3:4, उसकी परिमिति हमें पूछी है, सॉरी उसकी परिमिति भी दी है 112, तो उसके भुजा की लंबाई हमें यहाँ पे पूछी है। समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात 3:4 और उसकी परिमिति दी है 112 सेंटीमीटर, तो उस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। फिर उसके लिए हमें क्या करना है, एक समांतर चतुर्भुज बनाना है, एक समांतर चतुर्भुज हम यहाँ पे बनाएंगे, और जो जो चीजें हमें यहाँ पे दी है उसको हम यहाँ पे दर्शाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, समांतर चतुर्भुज यहाँ पे दिया गया है, उसको नाम देते हैं हम लोग ए बी सी और डी, बराबर, ये है समांतर चतुर्भुज। और कोई भी दो संलग्न भुजाएं जैसे ए बी बी सी है, ए डी डी सी है, तो उसके जो अनुपात है वो अनुपात कितना दिया है, 3:4 दिया है, जैसे 3:4 हमें दिया है, बराबर है। और फिर उसकी परिमिति जो है टोटल परिमिति दी है 112 सेंटीमीटर, फिर हम उसको क्या करेंगे सॉल्व करते, सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी जो चतुर्भुज हमें दिया गया है वो एक, ये क्या है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर समांतर चतुर्भुज है। तो यहां पर समांतर चतुर्भुज का जो अनुपात दिया है ए बी और बी सी का अनुपात मानते हैं हम उसे ए बी अनुपात बी सी, जो 3:4 हमें यहाँ पे दिया गया है, ये ए बी और बी सी का जो अनुपात है वो 3:4 दिया है। और यदि हम लोग उसे मानते हैं ए बी का जो अनुपात है वो मानते हैं 3x है और बी सी का जो है वह 4x, ऐसे मानते हैं इन दोनों का जो अनुपात है उसे क्या मानेंगे, 3x और 4x मानेंगे, सामान्य गुणज जो है दोनों भुजाओं को x करेंगे, इसका अनुपात 3x और इसका अनुपात हम लोग 4x मानते हैं, इनका जो भुजा की लंबाई हमें मालूम नहीं है इसलिए उसको x मानेंगे सामान्य गुणज, और उनका जो भुजा है वो ए बी 3x और बी सी 4x है। अब ये 3x है तो उसके सामने वाली भुजा जो भी है समांतर चतुर्भुज की ये भी 3x आएगी, और ये 4x है तो मानो ये भी 4x आएगी, उनका सामान्य गुणज x है और वो अभी यहाँ पे लिखेंगे। तो ए बी अगर 3x है तो उसी तरह से ए बी और सी डी ये समान है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी और सी डी, यहाँ पे मैं इसको क्रॉस करता हूँ थोड़ा, ए बी और सी डी जो है वो है 3x, और ए डी और बी सी, और बी सी ये है 4x, ये दोनों भुजा समान है 3x, ये दोनों समान है 4x, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो कैसी होती है, समान होती है, AB और DC
तो ये दोनों भुजा सामने सामने वाली समान है और ये बीसी और एडी समान है, तो ये उनके माप हमने यहाँ पे देखे। तो हमें करना क्या है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे और उसकी परिमिति हमें दी गई है। तो परिमिति मतलब चारों भुजाओं का योगफल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी की परिमिति कितनी दी है, 112 दी है, 112 सेंटीमीटर दी। चतुर्भुज एबीसीडी की परिमिति 112 सेंटीमीटर यहाँ पे दी गई है। और चतुर्भुज की परिमिति मतलब क्या, सभी भुजाओं का योगफल। तो भुजा कौन कौन सी है, भुजा ए बी प्लस भुजा बी सी, भुजा सी डी और भुजा ए डी, वो दिया है 112 सेंटीमीटर दिया। चारों भुजाओं का योगफल मतलब परिमिति और चारों भुजाएं हमें मालूम है, वो दिया है यहाँ पर। तो अगले पेज पर मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। ए बी सी डी, अभी अब एक एक का मान हम लोग लिखते हैं। ए बी का मान है 3x, बी सी का मान है 4x, सी डी का मान है 3x और ए डी का मान है 4x, और ये टोटल कितना दिया है, 112 दिया है। तो यहाँ पर हम ए बी बी सी सी डी और ए डी सबका मान लिखा और उसकी जो परिमिति दी है वो 112 हमें दी गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सबको जोड़ेंगे। तो 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4x, इन सबको जोड़ करेंगे तो ये हो गए 14x, 14x बराबर 112 दिया है। अब हमें क्या करना है, x का मान हमें यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को वैसे ही रखेंगे, ये 14 इधर गुना में उधर भाग में चले जाएंगे, बराबर है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, अभी उसको भाग करेंगे। तो अभी इसको भाग हम बाजू में कर सकते हैं, 14 से भाग देंगे, 14 से भाग दिया तो 14 से कितने का भाग जाता है, यहाँ पर 8 से भाग जाता है, 8 से भाग गया। तो x का मान जो है वो 8 आया, उनका जो सामान्य गुणज था x वो 8 आया। तो अब हम क्या करेंगे, इस 8 से क्या करेंगे, वहां पे रखेंगे ए बी बी सी सी डी में, और प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें मिलेगी। तो हमें मालूम है ए बी बराबर सी डी, इन दोनों की भुजाओं की लंबाई कितनी है, 3x मानी हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना x का मान 8 आया है, उसे 8 रखिए, तो 8 गुना 3 24 आया, और इसीलिए आपका जो भुजा ए बी और भुजा सी डी जो समान है, उन दोनों का माप आया 24 सेंटीमीटर। आप इसको यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाएंगे, दो भुजाओं का माप मिलेगा। तो उसी तरह से सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी और सी डी हो गया, अब क्या हो गया, ए डी और बी सी, इसका जो सामान्य गुणज लेके जो भुजा आई थी वो थी 4x। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 जहां पे x दिखाई दे रहा है वहां पे आप 8 रखिए, 8, और फिर उनका गुना किए, 4 गुना 8 32 सेंटीमीटर, बराबर है। तो इसी ये दोनों भुजा समान है, AD is equal to BC बराबर 32 सेंटीमीटर। तो चारों भुजाओं की लंबाई भी हमें यहाँ पे मिल गई। बहुत आसान उदाहरण यहाँ पे दिया गया था, सिर्फ हमें क्या करना है, उसको सोचकर समझकर उसकी एक डायग्राम बनानी है और फिर उसको लिखना है। तो देखिए, वापस रिपीट करता हूँ 2 मिनट में, और फिर आपके जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। समांतर चतुर्भुज दिया था, समांतर चतुर्भुज बनाया, ABCD नाम दिया गया, और समांतर चतुर्भुज में जो एक्चुअल हमें जो शर्त दी गई है वो है संलग्न भुजाओं का अनुपात। तो ये अनुपात मानो 3x और 4x है, उसका सामान्य गुणज x माना है, सभी भुजा उसकी सामने वाली भुजा समान होती है, और यहाँ पर उसका जो अनुपात है 3 और 3:4, उनका सामान्य गुणज x है, इसलिए ए बी का मान 3x मानो, बी सी का 4x। अब ये ए बी 3x है तो डी सी भी 3x है, ये 4x है तो ये भी 4x है, तो इसे उस प्रकार के हम लोगों ने लिख लिया। यहाँ पे लिख सकते हैं सामान्य गुणज, और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चतुर्भुज जो ए बी सी डी की परिमिति वो 112 दी है, 112 मतलब सभी भुजाओं का योगफल, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ई डी, ये 112 हो गए। वही 112 होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको जो एक समीकरण हमें यहाँ पे मिला है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये चारों भुजाओं का माप लिखा, उसको जोड़ा हमने 112, फिर 1 से 1 रहा, ये 14 इधर गुना में भाग में चले जाएंगे, 14 से भाग दिए 8, तो ये उसका x को जो सामान्य गुणज माना था उसका मान मिला है। अब उसी को हम क्या करेंगे,
यहाँ पे रखेंगे ए बी बराबर सी डी बराबर 3x, तो ये 3x x की जगह पे 8, 8 गुना 3 24, तो ए बी और सी डी का माप 24 आया। उसी तरह से ए डी और बी सी का अनुपात दिया था 4x, तो उसको अगर x का मान यहाँ रखेंगे 8, 8 गुना 4 32 हो गया, तो ए डी बी सी बराबर 32 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये चौथा उदाहरण है, बहुत आसान उदाहरण है और इसको आप लोग कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, किसी को अगर कुछ डाउट है इस प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के सवालों में तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, किसी बच्चों को अगर कुछ डाउट है तो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के ये जो तीन चार जो सवाल है हम लोगों ने सॉल्व किए उसमें से आप पूछ सकते हैं। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 से। सर मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो 2 मिनट बचा है, किसी को अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए मैडम। सर फर्स्ट वाला बताइए ना। फर्स्ट वाला कौन सा वाला? ये मल्टीपल चॉइस का? यस सर। हाँ देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पर है मल्टीपल चॉइस वाला, पहला ही दिए गए प्रश्नों में से सही चुनकर लिखना है। और उसमें दिया है कि यदि चतुर्भुज की सभी जोड़ियां सर्वांग सम हो तो उस चतुर्भुज का नाम है। अगर चतुर्भुज सर्वांग सम है और उनकी सभी जोड़ियां अगर सर्वांग सम है तो वो चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। तो सिंपल है, वहां पे सिर्फ आपको पहचान के लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे वाला। और किसी को कुछ डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। साबरीन सलमानी, आपने रेज हैंड किया है, पूछ लो सर से जो भी डाउट है आपका। सर उसने हैंड डाउन कर दिया है, आप अपना लास्ट स्टेटमेंट दे दीजिए और क्लास एंड कर दीजिए सर। ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने आज का जो टॉपिक दिया था उसमें से प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 चतुर्भुज का, और उसमें 1, 2, 3, 4 सवाल हमें दिए गए थे। आयत, समांतर, चतुर्भुज और वर्ग से संबंधित ये उदाहरण थे, उदाहरण हमने देखे और उसकी भी जो भी शंका है आप लोगों ने पूछी है। तो ठीक है, धन्यवाद, अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सर।